एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पेन। सोच रहे हो सुबह सुबह मैं कहाँ हूँ? मैं सुबह हूँ बस स्टैंड पे, बस में जा रही हूँ एक नई कंट्री में। सोचो कि नई कंट्री में बस में कैसे? यस, इन बार्सिलोना जहाँ पर भी मैं हूँ। बार्सिलोना से यहाँ से बस निकलती है, 3 घंटे की जर्नी है और कंट्री का नाम है अंडोरा। 3 घंटे में पहुँचाती है। एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता। सो इसलिए आपके पास अगर शेंगेन वीज़ा है तो उस वीज़ा के थ्रू आप डेफिनेटली इस कंट्री में विजिट कर सकते हो। तो मैंने प्लान किया कि एक कंट्री अपने लिस्ट में वापस ऐड कर देता है। ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज तो हो चुकी है, तो दिस विल बी 27th कंट्री। चीयर्स गाइज, एंड वो भी सोलो। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। वैसे बहुत छोटी जर्नी, लोग तो डे विजिट भी करते हैं, बट व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं 2-3 दिन रुक जाऊँ इस कंट्री में, क्योंकि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, नहीं तो बहुत भाग दौड़ हो जाती है। तो ये है बस स्टैंड जहाँ पर मैं हूँ। स्टैंड जो है बस स्टैंड, वो भी कितना मस्त है, एकदम चकाचक लग रहा है जैसे कोई होटल में हो। सो बसेस आर गुड ओवर हियर। कुछ उसका 65 यूरोस चार्जेस है जाना आना दोनों, ऑलमोस्ट 3500 रुपीज, इंडियन रुपीज, नॉट बैड। अलग कंट्री में जा रहे हो ऑल द वे। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। चीयर्स। इंडिया जैसा ही सिस्टम है, पूरी इतनी बड़ी बस है और बस यहाँ अपना लगेज को डाल दो अंदर। यहाँ बाहर मार्केट में लोग मास्क नहीं पहनते हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब अब ट्रैवल करते हो तो मास्क पहनना मैंडेटरी है। बाहर से ही बोल लेते हैं वेरी इज अ मास्क। सो या आई एम हियर। बाजू में कोई है नहीं फिलहाल, तो कोई नहीं है, डायरेक्ट बस है तो कोई नहीं होगा। आई एम ऑल सेट टू मूव। दिस इज द ब्यूटी। रोड ट्रिप किया, काश मैं कार ड्राइव कर रही होती, आई कुड हैव सी ऑल दिस। रुक के कहीं पे, आई मीन रोड ट्रिप का जो मज़ा है, और स्पेशली कोई भी कंट्री में जब होते हो और आप एक जगह से दूसरी जगह में जाते हो, इवन सिटीज़, यानी मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं यूक्रेन, सर्बिया, ये सारे का, इवन अमेरिका, आपने अगर सारे एपिसोड्स देखे हों, ये भी जर्नी बहुत स्मूथ है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने अच्छे रोड्स होंगे, इतना अच्छा वेदर होगा, पूरा क्लाउडी हो रखा है हर जगह, और अंडोरा में तो बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी फ़िलहाल, 6 डिग्री दिखा रहा है, मैंने गूगल चेक किया तो। या आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, एंजॉइंग रोड जर्नी। एक छोटा सा कंट्री अंडोरा जहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। आई कांट बिलीव। ये सारी जगह मैं हमेशा मैप में देखती रहती थी और सोचती थी कभी जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है यहाँ, बट यू कैन डेफिनेटली रिलैक्स एंड इन्जॉय द ब्यूटी। स्पेशली जब स्नो होता है तो पूरा ये जो पहाड़ वाला एरिया है पैक हो जाता है बर्फ से, एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर स्नो स्पोर्ट्स एंड ऑल, बट अभी स्नो पिघल चुका है, सो आई एम एन्जॉय विंटर एंड समर एज वेल। अभी अंडोरा की ये बॉर्डर है कंट्री की, और यहाँ पर कोई एयरपोर्ट तो है नहीं कि वीज़ा एंड ऑल लगेगा, तो सिक्योरिटी बॉर्डर है ये, जहाँ पर अभी कॉप्स अंदर आके सिक्योरिटी जो भी है यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी कंट्री की, वो लोग आके पासपोर्ट सबके चेक कर, थैंक यू। तो मेरा पासपोर्ट भी चेक हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके, एंड आई एम एंटरिंग इन अंडोरा, 27th कंट्री ऑफ माई लाइफ। तो मैं पहुंच गई हूँ अंडोरा में, ब्यूटीफुल कंट्री इन माउंटेन्स, एंड आई एम गोइंग टू द होटल वॉक करके, क्योंकि सामने ही है, तो मैंने सोचा वॉक करते करते ये ब्यूटी को एंजॉय करते करते चली जाती हूँ। फीलिंग सो गुड, वेदर अच्छा है, थोड़ी सी बारिश हो रही है बट इतनी ठंड नहीं है, आई एम रियली एंजॉयिंग। ओके, सो आई एम हियर इन दिस रूम, छोटू सा क्यूट सा रूम है, बट Let me show you the most exciting thing which I always need, यार अब जहाँ पर भी रहते हो, आई मीन जब तक बालकनी होता है ना, मुझे रूम टूर कराना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बोर होने लगता, बट हियर इज द बालकनी। वाओ, पूरा मुझे कंट्री दिख रहा है, यानी कैसा लग रहा है ना, जैसे एक पहाड़ों के बीच में एक कंट्री। नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, पहाड़ों के बीच में एक शहर है, माउंटेन सिटी, बट दिस इज द माउंटेन कंट्री अंडोरा। पूरा कंट्री दिख रहा है मुझे, इस ब्यूटिफुल व्यू, नाइस होटल, सिटी सेंटर में है, छोटा सा ये जगह है जहाँ पर यू नो सब कुछ है, इसी लेन में है और भी है बहुत सारी चीजें जो हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो निकल चुकी बाहर, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश चालू हो गई यहाँ पर और ठंड भी बढ़ गई, तो मैं थोड़ा छाता भी लेके निकल गया, साथ में जैकेट भी पहन लिया। सो बेसिकली अंडोरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी है, एंड पियरनेस माउंटेन के बीच में बसा हुआ एक कंट्री है जो टैक्स फ्री कंट्री, यहाँ पर पियरनेस मॉल, उसके नाम से मॉल भी है, जो अपने
और रूम से बालकनी से पूरा व्यू दिख रहा है मॉल का, दैट्स द सेम मॉल। और अभी मैं खोज में हूँ कुछ खाने की, तो ये प्रॉपर टाउन है, सिटी आई मीन सिटी सेंटर मेन एरिया जो होता है, दिस पार्ट इज द कैपिटल ऑफ अंडोरा। तो ये बड़ा अजीब होता है, छोटे छोटे वेरी टाइनी कंट्री, वेरी क्यूट सा, और लोग यहाँ स्पेशली ठंडी होती है विंटर्स एंड स्नो। अभी मुझे पता चला लास्ट वीक में ही स्नो ख़त्म हुआ है, तो जब स्नो होता है लोग स्की करने के लिए आते हैं। That's the beauty of this place. So let's go and eat something. और आज के लिए उतना ही काफ़ी है, मैं इतना travel करके आई हूँ, थोड़ा relax करूँगी, I'll sit somewhere at the coffee shop, coffee पीऊँगी और थोड़ा weather भी enjoy कर लेता है छाता खोल के। So जाते जाते मैं ऐसे shop में आ गई, perfume की shop है ये पूरी। मैं पूछ रही थी अंदर, दी साइड पूरा अंडोरा ड्यूटी फ्री है, आई मीन जो आपको ड्यूटी फ्री से जो सामान मिलता है ऐसा ही, यानी अरमानी का मैंने एक परफ्यूम देखा 70 यूरो आफ्टर डिस्काउंट, आई मीन 5-6 हजार रुपया, जिसका एक्चुअल प्राइस 10-12 हजार रुपया होता है। सो अंडोरा में लोग उठा उठा के शॉपिंग करके जाते हैं, इज द प्लेस वेयर पीपल कम फॉर शॉपिंग। बहुत हो गया, पहले मैं खा ही लेती हूँ। ये जो है वो है डोनर कबाब। मैं क्या करती हूँ जब भी कहीं होती हूँ और इंडियन खाने का कुछ मन करता है, बस सीधा गूगल में फाइंड आउट कर लेती हूँ। 650 मीटर पे मुझे ये रेस्टोरेंट मिल गया, तो मैं नीचे जाके फलाफल खा ली और अपने लिए बिरयानी पार्सल करा ली। एक्चुअली मैं फोन पे लग गई थी क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं, यानी इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पर, ऐसा इस सेट पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं। ये यूरोप शेंगेन कंट्री में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर जो मैंने यूरोप का कार्ड लिया था वो चल ही नहीं रहा, और इंडिया का भी मेरा बंद हो चुका है, तो मेरे पास अभी वाईफाई नहीं है। तो नीचे जैसे ही वाईफाई मिला फ़ोन पे लग गई थी फैमिली के साथ, और मैंने अपने लिए बिरयानी भी ले लिया इसमें और फलाफल भी खा लिया मैंने। अभी यहाँ का शॉपिंग बड़ा फेमस है, इले करके मॉल है, IELL, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके देख लूँ कि भाई शॉपिंग भी कैसा है यहाँ का। बाकी कल हम सिटी प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम वॉकिंग अराउंड, मैं ना यहाँ से पिंक मस्त फ्लावर देख रही हूँ, स्प्रिंग आ रही है ना यार, इस स्प्रिंग में जो पिंक फ्लावर होते हैं इतना बढ़िया व्यू दिखता है। लेट मी शो यू, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना, नाइस। यहाँ एक चीज मस्त है, जो लाइट होती है वो फ्लोर पे भी है, किसी रेड लाइट, ये अभी लोग खड़े हैं, अभी ग्रीन हो गई, सो नाउ यू कैन स्टार्ट वॉकिंग, दिस इज रियली डिफरेंट। लीला, ये है मॉल यहाँ का, ये एक है और दूसरा जो अपने होटल के सामने है वो दो। सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं क्या है। वीकेंड है, सैटरडे, काफी लोग है यहाँ, नॉट बैड, डिफरेंट डिजाइन है, समथिंग डिफरेंट देन सिटी मॉल्स जो स्पेन एंड फ्रांस में देखे थे मैंने। तो ऐसा है कि अपने इंडिया वाले तो स्पेशली अंडोरा नहीं आएंगे शॉपिंग करने, पर जो लोग यूरोप में रहते हैं स्पेशली स्पेन एंड फ्रांस में, वो लोग ड्यूटी फ्री शॉपिंग करने के लिए आते हैं यहाँ अंडोरा। वैसे भी हिल स्टेशन है, यानी हिल वाला कंट्री है, 2-3 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वीकेंड मनाते हैं और वापस चले जाते हैं। फाइनल इवनिंग एंड कॉफ़ी टाइम, सो मैं हैविंग कॉफ़ी और फिर यहाँ से निकल के जाऊँगी होटल बैक, क्योंकि अभी शाम के बज चुके हैं, यहाँ सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है और मुझे 7:30 बजे तक। बाकी जो है वो जगह है, बाकी आई मीन जैसे कंट्री बहुत छोटा है इधर इधर, तो कल सुबह निकलेंगे कहीं पर, उसकी आइटनरी बैठ के मैं घर पर बनाऊँगी अच्छे से। अंडोरा बढ़िया और रिलैक्सिंग सुबह रही मेरी, मैं आराम से यहाँ रिलैक्स कर रही थी, अपना काम कर रही थी, थोड़ा सन बाथ ले रही थी, वेदर अच्छा है आज का थैंकफुली, यहाँ भरोसा नहीं कभी भी सनी होता और कभी भी यहाँ पर वापस बारिश भी चालू हो जाती है। चलो रेडी तो हो गई मैं यहाँ, बट मैंने थोड़ी इंक्वायरी करी, एक जगह है पार्ले कासा जो पीक पॉइंट है, जैसे अपना गुलमर्ग में हम जाते हैं ऊपर स्की करने के लिए, द सेम वे यहाँ पर पीक पॉइंट है, ये कंट्री में ही है, फ्रांस की बॉर्डर पे है, और वहाँ जाने के लिए 45 मिनट्स का ड्राइव है, तो बसेस जाती है 45 मिनट्स, बट वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्नो देखने को मिल सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, द रीज़न -2 डिग्री अभी, और उसके लिए आपको प्रॉपर कोल्ड वाले क्लोथ्स चाहिए, जैकेट्स, बूट्स एंड ऑल। मेरा आज का है लास्ट डे इन यूरोप, सो आई डोंट वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग, यू नो, फिर सारा सामान उठा के यहाँ से मैं वापस जाऊँ। आई एम हियर इन द सिटी एंड लेट्स गो डाउन, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें खाने पीने की ढूंढते हैं, अगर मैं ना भी खाती हूँ एटलीस्ट आपको दिखा तो सकती हूँ, सो लेट्स गो। माइंड इतना चंचल होता रहता है कि मैं क्या ही बोलूँ, द प्लेस पास लेगासा, एक्चुअली स्पेल PASBELACASE, बट वो पास को वो लोग पा बोलते हैं, एस खा जाता है, पा द लेगासा। ओके, सो द प्लेस, अगेन मैंने एक दो लोगों को पूछा
तो उन्होंने मुझे बताया कि डेफिनेटली यू कैन गो, आई एम नॉट गोइंग, आई मीन 20 किलोमीटर है यहाँ से, बट वो बहुत चढ़ाई पे है, सो बस में जा सकते हैं, 6 नंबर की बस है। मैं थोड़ा हिम्मत करके जा रही हूँ, देखते हैं एटलीस्ट। अब वहाँ पर इतनी ठंडी होगी तो आई कैन डेफिनेटली कम बैक जस्ट टू कैप्चर फ्यू मेमोरीज एंड आई कांट स्टे बैक, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, तो ऐसे ही निकली हूँ। लेट्स ट्राई। ये हो गया 7.5 यूरो का टिकट। अपना तो कुछ भी हो सकता है, यानी मेरा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं जाने वाली थी और फाइनली आ गई बस में। यहाँ से आधे घंटे की जर्नी है, इतनी भाग के मैं बस देखी, थोड़ा दौड़ी ताकि बस निकलना जाए एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। 7.5 यूरो, 600 रुपया आना जाना, बट वॉट बिकॉज द जर्नी इज गोना बी अमेजिंग। वैसे टाइनी कंट्री बोलते हैं बट वैसे काफ़ी बड़ा है। जहाँ मैं रह रही हूँ वो कैपिटल है अंडोरा दे वेला, जैसे अपना दिल्ली कैपिटल है, ऐसे छोटी कंट्री में भी कैपिटल होता है, फिर आसपास दूसरे टाउन होता है छोटे छोटे। सो आई एम स्टेइंग इन द मेन कैपिटल, क्योंकि वही हैपनिंग है आई मीन, तो जहाँ भी मैं जा रही हूँ ये सब अलग अलग प्लेसेस है, बट इट्स पार्ट ऑफ अंडोरा। सो नॉट बैड, आई मीन हाइकिंग और स्कीइंग ये सारी चीज़ों का शौक है, तो विंटर में तो आई एम श्योर बेस्ट रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, एंड स्नो जब होगा पूरा। बड़ी टनल थी, ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर की तो होगी। मैंने इतनी बड़ी टनल पहाड़ों में कभी भी अब्रॉड में नहीं क्रॉस की हो। माय गॉड, आई टोल्ड यू इट्स सीन्स ऑफ व्यू। एंड जब टनल क्रॉस करके उस साइड आ गए तो व्यू इज फेनोमिनल। तो प्लीज नाउ मैं आ चुकी हूं, आई कांट इमेजिन, ओ माय गॉड, दिस इज आउटस्टैंडिंग। आई मीन मुझे पक्का आना पड़ेगा यहाँ, तो मुझे रोड ट्रिप करनी चाहिए। व्हाट आई फील, दिस इज रियली आउटस्टैंडिंग। पूरा टाउन है, प्रॉपर होटल्स, मॉल, एवरीथिंग, एंड सराउंडिंग दिस माउंटेन्स। वाओ, अभी भी यहाँ स्नो हो रहा है। आई डिडंट नो कि मुझे ये जगह विजिट करनी थी, लाइफ में नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं प्रॉपर सारे कपड़े एटलीस्ट रखती पहले से। एंड वॉज सच अ शॉर्ट नोटिस, आई मीन खुद को ही, कि नहीं बस जाना इस जगह पे, कि नहीं सी बिहाइंड मी, ओ माय गॉड, वेयर आई एम राइट नाउ। यानी इसने तो गुलमर्ग और इवन यूक्रेन के बुकोवेल, जहाँ मैं गई थी, अगर आपने मेरा यूक्रेन का सीरीज देखा हो, बुकोवेल विच इज अगेन अ स्की रिजॉर्ट, एक पूरा स्की डेस्टिनेशन है, माउंटेन पूरा पीक, एंड ये जगह तो आई डोंट हैव वर्ड्स, दिस इज आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल। चावर में हूँ गाइस, आई एम टेलिंग यू, स्पेन में ये जगह वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन अंडोरा कंट्री, मस्ट विजिट। या लोकेटेड एट 2100 राइट ऑन फ्रेंच बॉर्डर, पाजा लेकासा, द प्लेस रिकॉर्ड कर लेना, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये इतना बढ़िया होगा सीजन में। आई मीन जब प्रॉपर, अभी एक वीक पहले ये जगह बंद हुई है, तो यहाँ इतने सारे स्की रिजॉर्ट्स है, देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू ओवर हियर। आई मीन दिस कैन बी अलग से पूरा डेस्टिनेशन, जब आप अंडोरा में हो 2-4 दिन ज़रूर रुकना चाहिए। सो आई वॉज लिटिल रॉन्ग एंड थैंक गॉड आई एम हियर। मुझे पता नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल है, पिक्चर्स में यू कांट जज एट ऑल। मैं जिस तरह के कपड़े पहन रही हूँ, मुझे ठंडी लग रही है, बट कहते हैं कि जहाँ स्नो होता है ना वहाँ ठंडी कम लगती है, और जहाँ और एक्साइटमेंट होती है तो सब कुछ गायब हो जाता है। सो लिटरली हैड फन, लेट्स गो समवेयर टू यू नो मॉल और शॉप्स, कुछ एक यहाँ का लोकल चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है, बट आई वुड लव टू कम अगेन ओवर हियर। मुझे बाहर इतनी ठंडी लग रही थी, पता आपको -2 डिग्री है, -2, मेरे हाथ जम गए थे। मैं सुपरमार्केट में आ गई और यहाँ पर मैंने देखा कि सुपरमार्केट में अंदर भी दारू बिक रही है, वोदका, रम, व्हिस्की, एवरीथिंग। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक लेने के लिए आते हैं, आई एम टेलिंग यू गाइस। मैं सोची यहाँ गर्मी में रह रहती हूँ, कुछ खाने को भी उठा लेती हूँ, सुपरमार्केट तो अपने जैसे ही होता है। दिस इज़ द एंटायर टाउन, वेरी पीसफुल। पता है आपको, अंडोरा में क्राइम नहीं होता है, ये कंट्री बहुत कम क्राइम है। वैसे भी पुलिस, जो पुलिस मैन है, बहुत कम मात्रा में है यहाँ पर, आर्मी भी नहीं है यहाँ खुद की। सो वेरी सेफ प्लेस, टाइनी कंट्री, नाइस क्यूट सा फील है यहाँ। और पता है यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे अंडोरा कंट्री में, स्टूडेंट्स भी मोस्टली पढ़ने के लिए फ्रांस, स्पेन और अनदर कंट्रीज इन यूरोप जाता है। और यहाँ आपको जो रेजिडेंशियल वीज़ा है, आई मीन जो लोग काम करते, ईजिली नहीं मिलता है उनको, सालों
तक 20-20 साल तक यहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंट्री और काफ़ी सारी हिस्ट्री भी है इसकी। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी आपने अगर सोचा हो कि अब्रॉड में आपको सेट होना है तो वॉट विल यू थिंक? यू विल थिंक टू सेट डाउन समवेयर इन बड़ा बड़ा कंट्रीज, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैनेडा हो गया, कोई ऐसी बड़ी कंट्रीज में आप सेटल डाउन होना चाहोगे, या फिर आप छोटी टाइनी कंट्रीज लाइक अंडोरा जैसी? कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताना। The beautiful place, Padre Casa Hill Station in Andorra Country. So ये था मेरा आज का धमाकेदार vlog guys, and अपनी Europe series का the last episode. Oh my God, what a journey in this 25 days. And thanks for watching my all episodes. अगर नहीं देखे तो please playlist में जाके देख लो, बड़े interesting है। France, Spain, Spain में बहुत tragedy हो गई मेरे साथ, और अभी Andorra, one more country, Monaco, which I have visited. So कैसे आना है Andorra, कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आई एम श्योर आपने ज़रूर पसंद किया होगा आज का एपिसोड। धन्यवाद आप सबका। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, पता नहीं कहाँ, और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट या समवेयर इन इंडिया और मे बी दुबई, आई डोंट नो, लेट्स सी। मिलते हैं, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।